75 रोटोवेटर तुम 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर से चला सकते हो जिद डीजल कंजम्पशन 2.5 से 3 लीटर के करीब है जी किसान सानू दसते हैं। ईवन यूपी के जाइए तो 7.5 फुट के रोटोवेटर कई किसान मिंद्रा 225 टैफे 25 आईसर सिंगल सिलेंडर 24 HP ट्रैक्टर तो भी किसान वीरो सत श्री अकाल दोस्तों एग्री एक्सपो मोहाली दे विच वख-वख उत्पाद आए हुए हैं पर तुहानू एक छोटा जिहा प्यारा जिहा एक खिडौना दिखाउने आ क्योंकि भारत की 85% किसानी उन्होंने कोल ट्रैक्टर जिहड़े ने 25 हार्स पावर तो छोटे ने कह लिए वड्डी गिणती उह किसान ने जिहड़े अपने छोटे ट्रैक्टर नाल पुराने ट्रैक्टर नू चला के अपने घर का गुजर बसर कर रहे ने कह लिया जाए वड्डे वड्डे जिहड़े व्यापारी लोग ने जिस तरह बाजार के उपर कब्जा हो रहा है उन्होंने टक्कर देने समर्थ बने ने अपने छोटे छोटे ट्रैक्टर नाल गल करते हैं आप इस रोटावेटर की की इस दे विच खास दस दिए कि कंपनी 5 फुट तो लैके 12 फुट की लंबाई तक जिहड़े ने रोटावेटर तैयार करती है अपने को अधिकारी ने बई जी सत श्री अकाल नाम की सर मेरा नाम जोगिंदर सिंह बांकुरा है सर जिस तरह ये आप रोटावेटर नू देख रहे हैं इस दियां खूबियां की ने सर खूबियां तो सब तो पहले है कि जिवें हुण कोई भी जिमीदार हो जिहड़ा भी संद यूज करे या ट्रैक्टर का यूज कर दईए डीजल दे रेट जिस हिसाब नाल अजकल बड़ी तेजी नाल वध रहे ने उहदे विच साडा रोटावेटर दी डीजल कंजम्पशन बहुत घट है। हुण अगर आम रोटावेटर की गल करिए तो ज़्यादातर लोग 7 फुट का रोटावेटर 55-60 HP चलाते हैं और 5 फुट तो लैके 7-8 लीटर डीजल कंजम्पशन है घंटे साडा 7 फुट का रोटावेटर तुम 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर से चला सकते हो जिद डीजल कंजम्पशन 2.5 से 3 लीटर के करीब है जी किसान सानू दसते हैं। ईवन यूपी के जाइए तो 7.5 फुट के रोटावेटर कई किसान मिंद्रा 225 टैफे 25 आईसर सिंगल सिलेंडर 24 HP ट्रैक्टर तो भी चला रहे हैं। हुण जिवें 55-60 HP का जिहड़ा सैगमेंट है उहदे विच साडा 10 फुट का रोटावेटर चलता है और तेल की जिहड़ी कंजम्पशन है इहदी जिहड़े आम रोटावेटर मार्केट च ने 7 फुट के उस तो भी घट हैगी। असी सर चाहवांगे पहला थोड़ा इस दे बारे दिता जाए जानकारी जिहड़े इस दे ब्लेड ने किहड़ी कंपनी वालों लगाए गए ने किन्नी इहनां दी लेंथ है ते किन्ना ये दबाव जिहड़ा हेठां नूं जदों कोई ट्रैक्टर चला रहे हैं आपां 35 हार्स पावर का ट्रैक्टर है तो किन्ने दबाव नाल किन्ने प्रैशर नाल इसनूं खिचाई कर सकदा है। सर देखो जिथे तक ब्लेड की गल है मार्केट के जिहड़े ब्लेड अवेलेबल ने असी तायो कंपनी जापानी कंपनी उहदा असी ब्लेड यूज करते हैं। जिस तरह तुसीं देख रहे हो दो तरह के ब्लेड है एक LGF टाइप है एक L टाइप है तुसीं जिहड़ा मर्जी ब्लेड लगा लो। हुण जदों तक आपां डैप्थ की गल करिए डैप्थ साडे रोटावेटर की आम रोटावेटर तो 1 इंच ज़्यादा मिलेगी। कारण की है उन्हां दी जिहड़ी डैप्थ स्किड हैगी जिहड़ी पट्टी लगदी है नाल उह बॉडी तो थले हुंदी है और साडी पट्टी है बिल्कुल बॉडी दे नाल लगी हुंदी है। एक किसान वीरो इत्थे विच गल आपां होर करनी चाहवांगे मैं इन्हां नूं फोरमैन नूं कहांगा इहनूं बिल्कुल हौली चक्कर दिओ बिल्कुल ही हौली करो। किसान वीरो तुसीं वेख रहे हो जिहड़े ब्लेड ने एक दूसरे दे कोलों जदों लंघदे ने तां आपां इहनां दी जिहड़ा फर्क है आपस दे विच जिहड़ी मिट्टी नूं कट्टण दी जिहड़ी है जां कोई डला आ जांदा अग्गे जां जदों इह आपस दे विच एक दूसरे दे कोलों लंघदे ने तां इह किन्नी बरीकी नाल उस मिट्टी दी तह नूं तोड़दे होणगे ट्रैक्टर दे उपर किस तरह दबाव घटदा होगा इह वाकई वेखण योग है। तो अगे आप इन्हां नाल गलबात कर रहे थे ये सर जिहड़ी कीमत है जिवें आप 5 फुट की गल कर लीए इसकी कीमत कंपनी ने किन्नी रखी है? सर कीमत कोई बहुता नहीं हैगी क्योंकि अगर प्रोडक्ट देखो प्रोडक्ट की खूबियां देखो और जिन्ना साडा मटेरियल वध है थोड़ी उन्नी की ज़्यादा कीमत है। फिक्स कीमत मैं इस करके नहीं बता सकता क्योंकि फ्लक्चुएशन मार्केट के बहुत है। हुण तो कोई 3 महीने पहले तो हुण दे रेट च घट्टो घट 15 से 20 हज़ार रुपये का फर्क आया है क्योंकि जिहड़ा लोहा पहले 44-45-47 रुपये किलो सीगा और 70-72 तक बिक गया तो कीमत बहुता ज़्यादा नहीं हैगी आम रोटावेटर तो 15-20 हज़ार रुपये की कीमत ज़्यादा हैगी। तो इस दे उपर सर जेकर बिजाई करनी है किसी ने कणक वगैरह की जां इस तरह वह भी सैट हो जाते हैं? हाँ तुम ये उपर अपना सीडर लगा सकते हो कोई भी साइज़ असी कुछ दिते भी ने अच्छा। चरखी दादरी हिसार वाल साढ़े को रोटावेटर गए ने साडे किसान भरा अपना लगवा के लै गए ने और बहुत चंगा और सब तो बड़ी गल दसा जिहड़ा हिसार एरिया इधर जिथे अपन नरमा पैदा करते हैं कोटन उहदे विच रोटावेटर बहुत कामयाब है। तो आप अगे देखांगे ये जिहड़ा पेटेंटड मॉडल है तुहाडा पेटेंटड मेरे हिसाब नाल तुहाडा वह भी होना 5 फुटा भी नहीं ये टेक्नोलॉजी पेटेंट होंदी है उहदे विच असीं भावें 4 फिट बनाईए 5 बनाईए 12 बनाईए टेक्नोलॉजी पेटेंट होंदी है जानी ये भी डबल आ रहा है भी। हाँ जी टोटल असीं डबल ही बना रहे जी। मैं चाहवांगा कि थोड़ा इस रोटावेटर नूं भी हेठां तो दिखाया जाए 12 फुट इसकी लंबाई है 12 फुट दस फुट माफ़ी चाहवांगे 10 फुट इसकी लंबाई दी गई है कंपनी वालों
ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਹਨੂੰ 5560 HP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ PTO ਪਾਵਰ 48-49-50 HP ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ 4515 ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਚਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੇ ਮੇਰੇ ਫਾਰਮਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 5560 HP ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 60 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਗੁਜਰਾਤ, ਜਾਈਏ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਜਾਈਏ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜਾਈਏ ਉੱਥੋਂ ਬਲੈਕ ਕੋਟਨ ਸੌਲ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮਰ ਹੀ ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਫਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਆਮ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਮਿੱਟੀ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਨਾਰੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕੋ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੱਕੋ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਈ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਯੂਜ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਏ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੇਟੈਂਟਡ ਮਾਡਲ ਹੈ, 35 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 7 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੂੰ ਖਿਚਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, 45 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 8 ਫੁੱਟ ਨੂੰ, 55 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ 10 ਫੁੱਟ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ 65 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਫੁੱਟ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਾਲੇ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਲੋਹਾਰ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ।